हरियाणा में हर रोज ब्लैक फंगस के मामले बढ़ रहे हैं। ब्लैक फंगस से बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स भी संक्रमित हैं। कुलदीप वत्स को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस ने लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। देश में अब तक हजारों लोग ब्लैक फंगस के शिकार हो चुके हैं, जबकि सैकड़ों लोगों की मौत भी इससे हो गई है। वहीं अब हरियाणा की बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ब्लैक फंगस की चपेट में आ गए हैं। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। आपको बता दें कि कुलदीप वत्स कुछ दिन पहले ही मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। यहां वो कोरोना होने के बाद भर्ती हुए थे, लेकिन कोरोना से उबरने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। ये पहला मामला है जब किसी नेता को ब्लैक फंगस ने अपनी चपेट में लिया हो। विधायक कुलदीप वत्स ने सरकार से मांग की है कि ग्रामीण इलाकों में अब ब्लैक फंगस अपने पांव पसारने लगा, लोगों को दवाइयां नहीं मिल रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से मांग की है कि गांव में ब्लैक फंगस तेजी से अपने पांव पसार रहा है, इसलिए इसकी दवाओं की उपलब्धता पर ध्यान दें, ताकि लोगों को परेशानी न हो। हरियाणा गवर्नमेंट को, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को एक मैसेज भी देना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज प्रदेश के अंदर कोरोना महामारी से पूरा प्रदेश जूझ रहा है, खासकर ग्रामीण अंचल, उसी के साथ एक नई बीमारी, इससे लोगों को बहुत भारी परेशानियाँ हो रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, लोग परेशान हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी कोठी से बाहर निकलिए और प्रत्येक उस व्यक्ति की ग्रामीण में जाके आप उसकी सूद लीजिए कि वो कैसे तड़फ रहा है। आज मैं भी इस बीमारी से 28 दिन के बाद में कोविड से फ्री होकर घर गया, तो आज दोबारा मैं इस बीमारी से मैं भी पीड़ित हूँ। पर मैं, मेरे जो चाचा ताऊ हैं, जो मेरा भाई है, जो मेरा परिवार है ग्रामीण अंचल का, आज उनका दर्द क्या है। आप इलाके के अंदर जाइए, मेरे बादली क्षेत्र में भी कई पेशेंट फंगस के, जिनकी आंखें गवा चुके हैं। सुबाड़ा गांव से मेरा छोटा भाई है मंजीत। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको एक तो महामारी घोषित करिए और लोगों को मेडिसिन उपलब्ध कराइए। आप आश्वस्त करें मेरे जो चाचा था, वो है मेरे भाई है, जो ग्रामीण अंचल में आज इस बीमारी से तड़फ रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही कर रहा हूँ कि आप इस पर ध्यान दीजिए, इसको हल्के में नहीं लीजिए, आप इसको महामारी घोषित करें। गौरतलब है कि ब्लैक फंगस की चपेट में आने वाले कुलदीप वत्स पहले नेता हैं, जिसके बाद उन्होंने सरकार से इसे लेकर लोगों को जागरूक और इसके इलाज के लिए व्यवस्था को ठीक करने पर जोर देने की मांग की है। हालांकि कई राज्यों ने पहले ही ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया। अब ऐसे में देखना होगा कि कुलदीप वत्स की मांग पर सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है। गुलशन ग्रोवर, टोटल न्यूज, गुरुग्राम।